हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द ब्लू हेड गर्ल। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ये मेकअप लुक। ये एक्चुअली एक ग्रे काइंड ऑफ स्मोकी आई है। ये मैंने बहुत पहले मेरे इंस्टा पे पिक्चर डाला था, तो उसे मुझे बहुत सारे लोगों ने बोला है, मेरे फैमिली मेम्बर्स में कुछ लोगों ने बोला कि ये वाला लुक मुझे सीखना है, तो इसलिए मैं सोचा क्यों ना इसका ट्यूटोरियल किया जाए। तो ये बहुत ही काइंड ऑफ ईजी सिंपल ग्रे स्मोकी आई है। मैंने इसमें एक्चुअली एक लिक्विड आई शेडो यूज़ किया है। आप चाहे तो उसका अल्टरनेटिव में ग्रे आई शेडो भी यूज़ कर सकते हैं, डार्क ग्रे आई शेडो। मेरे पास था इसलिए मैंने यूज़ कर लिया। अगर आपके पास नहीं है तो आप डार्क ग्रे आई शेडो यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आपको जानने में कोई भी इंटरेस्ट है ये लुक मैंने कैसे क्रिएट किया, तो प्लीज़ कीप ऑन वॉचिंग द वीडियो एंड तक देखिएगा। जितने प्रोडक्ट मैंने यूज़ किया उन सभी की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो प्लीज़ डू चेक दैट आउट। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेक श्योर इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा ताकि उनके लिए भी हेल्पफुल हो सके। एंड अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए बाय हिटिंग दैट रेड कलर का सब्सक्राइब बटन डाउन बिलो, एंड उसके बगल में बेल आइकन आएगा, उसे भी हिट कर दीजिएगा ताकि आपको मेरे आगे आने वाले सभी वीडियोस के बारे में नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट इनटू द वीडियो। मैं ऑलरेडी अपना फर्स्ट आई कर चुकी हूँ, ना बात है सेकेंड आई के ऊपर। तो सबसे पहले मैं एक ट्रांजिशन शेड डालूंगी बहुत ग्रे कलर का, एंड इसके लिए मैं यूज़ करने वाली मेरा मार्स का आई शेडो पैलेट, एंड उसमें मैं ये वाला शेड लूँगी। यहाँ पे ये जो थोड़ा मडी काइंड ऑफ ग्रे शेड है ये वाला लूँगी, एंड इसे अपने क्रीज पे फिल करूँगी। नेक्स्ट आप चाहे तो थोड़ा डार्क ग्रे शेड ले सकते हैं। अब मैं लिक्विड आई शेडो ले रही हूँ ताकि इसे थोड़ा ईजी हो जाता है, एंड उसके लिए मैं यूज़ करने वाली हूँ लैक्मे ब्यूटी का लिक्विड आई शेडो इन द शेड 01। एंड क्योंकि ये लिक्विड आई शेडो है थोड़ा जल्दी ड्राई होता है, तो उस चीज़ का ध्यान रखने के लिए मैं थोड़ा करके इंटेंसीफाई करूँगी। तो थोड़ा सा मैंने यहाँ पहले अपने आईलेड पे लगाया है, एंड देन मैं सेम ब्लेंडिंग ब्रश से ब्लेंड करूँगी। एंड इस बात का ध्यान रखना है कि ये जो कलर जो आपने लगाया शिमर वाला, ये आपके क्रीज वाले के ऊपर नहीं जाना चाहिए। मतलब ये लगना चाहिए कि हाँ वो थोड़ा सा ब्लेंडेड दिख रहा है। नेक्स्ट आउटर कॉर्नर को इंटेंसीफाई करने के लिए मैं सेम पैलेट से, मार्स वाले पैलेट से, ये ब्लैक शेड ले रही हूँ, एंड बहुत टाइनी अमाउंट अपने आउटर कॉर्नर में प्लेस करूँगी क्योंकि बहुत ज़्यादा पिगमेंटेड है, तो इस बात का ध्यान रखें। नेक्स्ट मैं अपने कलर को थोड़ा और इंटेंसीफाई था ग्लैम करने के लिए स्विस ब्यूटी का मेटालिक लिक्विड आई शेडो ले रही हूँ इन द शेड 6 मोल्टेन मिडनाइट। एंड आप चाहे तो इसे डायरेक्टली अपने आईज पर लगा सकते हैं या तो अपने हैंड से लगा सकते हैं। मैं एक ब्रश ले रही हूँ एंड ब्रश से प्लेस करूँगी मैं। नेक्स्ट मैं लाइनर यूज़ करने वाली हूँ, एंड उसके लिए मैं यूज़ करने वाली मैं स्टेक वर्की का लिक्विड लाइनर, एंड मैं एक नॉर्मल विंग बनाने वाली हूँ। नेक्स्ट मैं लैशेस एंड फेक लैशेस एंड मस्कारा लगा के आपके साथ वापस आती हूँ, एंड देन चलेंगे फुल फेस मेकअप के ऊपर। सो बात है फेस के ऊपर, तो फेस के लिए सबसे पहले यूज़ करने वाली मेरा पॉन्ड्स का बीबी क्रीम। आप चाहे तो कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। एंड मैं अपने स्पंज से, ब्लू हेवन का स्पंज लेके अपने फेस पे स्प्रेड करूँगी और ब्लेंड करूँगी। नेक्स्ट अपने अंडर आईज में कंसीलर लगाने वाली हूँ। इसके लिए मैं यूज़ करूँगी मैं स्विस ब्यूटी का लिक्विड कंसीलर, 1 डॉट हियर एंड 1 डॉट हियर। बाकी उन पोर्शंस में जहाँ मैं हाईलाइट करती हूँ। नेक्स्ट पाउडर सेट करने वाली हूँ। उसके लिए मैं लेने वाली हूँ मेरा मीना का ट्रांसलूसेंट पाउडर, एंड देन मैंने जहाँ भी कंसील किया है वहाँ पे मैं सेट करूँगी। एंड जितना भी बचा है मैं उससे पूरा फेस को सेट करूँगी अलॉन्ग विथ माई नेक। लोअर लैशन के लिए मैं सेम मार्स के पैलेट से वो ब्लैक वाला शेड लूँगी, फ्लैट ब्रश से लोअर लैशन को फिल करूँ। नेक्स्ट मूविंग ऑन टू फेस, सबसे पहले मैं कॉन्टूर करने वाली हूँ, एंड उसके लिए मैं सेम मार्स का पैलेट लेने वाली हूँ। मैं से ये वाला यहाँ पे जो ब्राउन कलर का शेड है, एंड देन जहाँ मैं कॉन्टूर करती हूँ वहाँ प्लेस करूँगी। जॉ लाइन, चीक बोन्स, फोरहेड, नोज़। नेक्स्ट आते हैं ब्लश के ऊपर। तो ब्लश के लिए मैं सेम पैलेट में से यहाँ पे म्यूटेड पिंक कलर शेड है वो लूँगी। नेक्स्ट मैं हाईलाइट के लिए स्विस ब्यूटी का ब्रिक हाइलाइटर ले रही हूँ इन द शेड 02। इनमें सारे शेड्स में अपने ब्रश को स्वर्ल करूँगी एंड देन हाई पॉइंट्स पे लगाऊंगी, जैसे कि चीक बोन्स, नोज़, फोरहेड, क्यूपिड्स बो। अपने इनर कॉर्नर ऑफ द आई से प्लेस करूँगी एंड ब्रा बोन पे। नेक्स्ट मैं लिपस्टिक लगाऊंगी एंड उसके लिए मैं यूज़ करने वाली हूँ मेरे मेबेलिन का टच ऑफ स्पाइस। एंड सेंटर में एक डार्क पिंक लिपस्टिक लगाऊंगी, जैसे मेरे पास एक किस ब्यूटी का फ्लैट फिनिश पिगमेंट ग्लॉस इन द शेड 01 एंड इसे मैं सिर्फ सेंटर में लगाऊंगी थोड़ा सा। नेक्स्ट अपने फेस को सेट करने के लिए मैं यूज़ करने वाली हूँ मेरा ब्लू हेवन का मेकअप फिक्सर। इस पान से हल्का हल्का प्रेस इन करूँगी। अगर आपको बहुत अच्छा सा हाइलाइटर ग्लो चाहिए तो आप फिक्सर के बाद में हाइलाइटर लगाइए तो आपका ज़्यादा अच्छा ग्लो आएगा। सो येस गाइज, दिस इज़ अ फाइनल लुक। सो येस गाइज, दैट वाज द होल वीडियो। तो इस तरह से मैंने ये लुक क्रिएट किया है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा ताकि उनके लिए भी हेल्पफुल हो सके एंड उनको भी ये लुक पता चल सके। अगर उनको कोई पार्टी में जाना हो तो मैंने जितनी भी चीज़ें यूज़ की हैं उन सभी का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, तो प्लीज़ मेक श्योर टू डू चेक दैट आउट। और जो आपको मेरा कॉन्टेंट पसंद आता है तो प्लीज़ मेक श्योर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इट विल मीन दी एब्सोल्यूट वर्ल्ड फॉर मी। सो प्लीज़ हिट दैट रेड कलर का सब्सक्राइब बटन डाउन बिलो एंड उसके बगल में बेल आइकन आएगा, उसे भी हिट कर दे ताकि आपको मेरे सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और अगर आपको ऐसे ही कुछ और मेकअप लुक जानना है या फिर और भी कुछ इस तरह से जानना है, कुछ अलग मैं इंस्टाग्राम पे अपलोड करती हूँ तो प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा। हैंडल में यहीं कहीं या यहीं कहीं डाल दूँगी, तो प्लीज़ मेक श्योर वहाँ जाके चेक कर लीजिएगा। अगर आपको मेरा कॉन्टेंट वहाँ भी पसंद आए तो मुझे फॉलो कर लीजिएगा। सो या, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टिल देन, बाय।